पवित्र आत्मा, आज के सुबह हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। हमारी प्रार्थना यह है कि यीशु की महिमा करने में आप हमारी मदद करो। होने दे यहोवा परमेश्वर के नाम को हम ऊंचे उठाने पाए। हालेलुया, क्योंकि वही हमारी चाहत है। धन्य हो प्रभु जी। हालेलुया, सब छोड़ो जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। सच्चाई कोई न जाने रे। से बोले हालेलुया। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया, ताली बजाते हुए गाएं आइए। हालेलुया हालेलुया।
मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया, महिमा हो यीशु की, कि हम सुबह आए हैं। मैं करता आराधना तेरी, सारी स्तुति देता तुझ ही को, केवल तेरी भक्ति चाहूं, केवल तू ही स्तुति योग्य है। उसकी आराधना करें आज की सुबह। इस गीत को हम गाए, भक्ति करूं संपूर्ण दिल से, स्तुति करूं संपूर्ण बल से, तेरी राहों पर तेरी, मैं
अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर भक्ति के साथ और समर्पण के साथ हम इस कोरस को एक और बार हम गाएंगे। और होने दे कि जब आप इस कोरस को गाते हैं तो फिर बड़ी ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ इस बात को कहें कि मैं तेरी भक्ति करूं प्रभु यीशु। मैं करता आराधना तेरी, सारी स्तुति देता तुझको, केवल केवल तू ही स्तुति योग्य है। योग्य केवल तालियों का भेंट चढ़ा यीशु को। हालेलुया, यीशु यीशु यीशु
प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, उसका प्रेम सदा का है, और उसकी जो अनुग्रह है वो हम पर हुआ है, इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। प्रभु की स्तुति हो कि हमने आत्मा और सच्चाई से भरकर उसकी यहाँ पर आराधना किया, और एक और ऐसी जगह है जहाँ पर हम जाने वाले हैं, जहाँ पर आराधना कभी रुकेगी नहीं। आमेन। जहाँ परमेश्वर का वास स्थान है ना, जो उसका स्वर्ग का राज्य है, उधर आराधना कभी नहीं रुकती। एक समय आएगा ऐसे प्रचार होना बंद हो जाएगा, बीमारों के लिए चंगाई की प्रार्थना होना भी बंद हो जाएगी, क्योंकि कोई बीमार होगा ही नहीं। ठीक, कोई समस्याएं नहीं रहेंगी, सिर्फ परमेश्वर ही परमेश्वर होगा, और हम सब उसको उसकी महिमा में देखेंगे। और आमेन। और परमेश्वर शुरू से अदन की वाटिका के समय से लेके आज तक खोई हुई मानव जाति को अपने पास लाने के उद्देश्य में लगा हुआ है, और हम जो कलीसिया हैं, इकट्ठे विश्वासियों का जो समूह है, कलीसिया ये बिल्डिंग नहीं है, ये जो कंक्रीट की ईंटे की ये बिल्डिंग नहीं है, आप और मैं कलीसिया हैं। ठीक है, हम हैं चर्च यीशु मसीह का, हम बेशकीमती हैं, और प्रभु की स्तुति हो कि उसके भवन में हमने आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना की, और इतनी अच्छी आराधना के बाद आज मैं जो आपको वचन दे रहा हूँ, परमेश्वर ने जो मेरे मन में डाला, और काफ़ी दिन पहले, 4-5 दिन पहले पास्टर जी ने मुझे वचन देने के लिए यहाँ पर बोला था, और मैं हमेशा जब भी कभी परमेश्वर का वचन कहीं भी देता हूँ, अपने सेंटर के डिवोशन में भी देता हूँ, तो परमेश्वर से पूछता हूँ, प्रभु एक बार आप मुझे बता दो, मेरे मन को एक बार आप छुओ, क्या बोलना चाहते हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मनुष्य के वचन से नहीं बदलता। 2 पॉइंट के 3 पॉइंट के 4 पॉइंट के मैसेजेस जीवन को नहीं बदलते, परमेश्वर का आत्मा जीवन को बदलता है। तो आज परमेश्वर मुझको एक ऐसे पैसेज की ओर ले गया बाइबल में, कि मैंने कहा प्रभु इतना साधारण सा वचन, ये प्रभु ने मन में डाला, यही साधारण सा वचन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे असाधारण लोगों को दे दो। तो आज हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, और उसका 7वां अध्याय और उसका 22 से लेके मत्ती 7 उसका 13 से लेके 23 तक मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ। इसमें कुछ वर्सेस में आपकी पढ़ूँ, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, और उसके बाद हम एक दूसरा इसी से मिलता जुलता पैसेज पढ़ेंगे, और फिर एक और पैरेबल जो दृष्टांत यीशु मसीह ने इसी विषय पे दिया है उसको भी हम मत्ती में से देखेंगे। फिर मैं इन 2 दृष्टांतों के ऊपर आज परमेश्वर के वचन को आपको देना चाहता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ मत्ती 7:13 से। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें से प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है, और थोड़े ही उसे पाते हैं। और इसके बाद मैं 21वां पद पढ़ता हूँ, 21-22, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य का वारिस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु,
क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। पिताजी, ये आपके वचन हैं और प्रभु जी, ये हम लोगों के अंतर मन में ये तभी जाएंगे जब आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी हमारी सहायता करेगा। प्रभु जी, हम में से यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, तू हम में से प्रत्येक से बराबरी से प्रेम करता है और तेरा हृदय हम में से प्रत्येक की ओर लगा हुआ है कि तू हम में से किसी को भी ना खोए। और उस दिन जो प्रभु का बड़ा दिन होगा, ओ प्रभु जी, उस दिन हम सब आनंद के साथ, खुशी के साथ अपनी उस धन्य आशा के अनुसार तेरे राज में प्रवेश करें। ये तेरी इच्छा है पिता। आज अपने वचन को छू ले प्रभु, अपने लोगों को छू ले प्रभु। ये वचन तेरा है प्रभु, ये लोग तेरे हैं प्रभु जी, हम सब तेरे ही हैं प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। एक और जगह लूका रचित सुसमाचार में भी इसी प्रकार की बात यीशु मसीह करते हैं। लूका 13 उसके 22 से लेकर 28 में जब यीशु मसीह शहरों से होते हुए यरूशलेम को जाते हैं तो लोग पूछते हैं यीशु, इनफैक्ट चेले ही शायद यीशु मसीह से पूछते हैं, यीशु क्या बहुत थोड़े लोग ही स्वर्ग के राज में जाएंगे? क्या ऐसा होगा कि बहुत थोड़े ही होंगे? क्योंकि यीशु मसीह ने भी एक जगह कहा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए बहुत थोड़े हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे, हम लोग एक पेंतीकॉस्टल चर्च हैं और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, ये वचन तो शायद रोड पे प्रचार करने वाला है, अन्य जातियों के बीच में प्रचार करने वाला है, शायद उन कलीसियाओं के बीच में प्रचार करने वाला है जो शायद सो रही हैं, जो बिल्कुल ही अभी हम नहीं कह सकते कि उनमें जान है। लेकिन मैं आपको, थोड़ा धीरज रखिए, आज इस परमेश्वर के वचन से मैं आपको कुछ सच में दिखाना चाहता हूँ। और जब यीशु मसीह से पूछा गया कि प्रभु क्या थोड़े ही लोग जाएंगे, तो यीशु मसीह ने कहा थोड़े ही जाएंगे। और यीशु कहता है सकेत द्वार से प्रवेश करो, और सकरा है वो द्वार और वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े ही उसमें से प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन चौड़ा है वो द्वार और वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत तेरे उसमें होकर चले जाते हैं। और ये बातें सच में हमारा ध्यान खींचने वाली बातें हैं। एक बार मैं एक अध्ययन कर रहा था और मेरे दिमाग में एक विचार आ गया, 3.5 साल यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर सेवकाई की, और शायद ही कोई दिन रहा होगा जब उसने सुसमाचार प्रचार नहीं किया होगा, शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जब उसने आश्चर्य कर्म नहीं करे होंगे। और सुसमाचार सुनने वालों की तादाद शायद हजारों में लाखों में होगी। जब उसने आश्चर्य कर्म किया और 5 रोटी से हजारों की भीड़ को खिला दिया, तो कितने लोग भोजन खा के तृप्त हुए? यानी कि यीशु मसीह की जो संसारिक सेवकाई है उससे हजारों लाखों लोग छुए गए। लेकिन जब यीशु मसीह स्वर्ग पे उठाया जा रहा था, स्वर्गारोहण हो रहा था उसका, उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद, तो कितने लोग थे वहां पर? 500, 500। वो भी छोड़िए, पेंतिकुस्त के दिन, जिस दिन पवित्र आत्मा
पृथ्वी पर पहली बार सामर्थ के साथ उतरा और उस दिन कलीसिया का जन्म हुआ. चर्च बर्थडे एक्चुअली पेंतिकुस्त के दिन ही हुआ है. उस दिन कितने लोग थे? 120. वो कहाँ चले गए 380 लोग जिन्होंने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिंदा आते हुए देखा, उसके छिदे हुए हाथों को देखा? वो कहाँ चले गए वो लोग जिन्होंने रोटी खाई? वो कहाँ चले गए वो लोग जो शुद्ध हुए? कहाँ चले गए वो लोग जो रोज चंगे होते थे? कहाँ चली गई वो भीड़ जो उसके पीछे चलती थी? बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए बहुत थोड़े हैं. चुने हुए वो हैं जो सकरे मार्ग से प्रवेश करते हैं, सकरे फाटक से प्रवेश करते हैं और सकरे मार्ग से होते हुए जाते हैं. आगे हम देखेंगे ये सकरापन है क्या, व्हाट इज दिस नैरोनेस. और यहां पर हम देखते हैं दो प्रकार के द्वार हैं, दो प्रकार के मार्ग हैं और दो प्रकार की मंजिलें हैं. दो प्रकार के द्वार, दो प्रकार के मार्ग और दो प्रकार की मंजिलें हैं. और यहां पर यीशु मसीह बोलने से पहले ही एक चीज हमको बोलता है वचन में, मैं चाहता हूं, दिस इज माय डिजायर, इच्छा है मेरी, तुम सकरे फाटक से प्रवेश करो. पहले ही उसने बोल दिया मेरी इच्छा यह है, पर मौका अवसर अब तुम्हारे सामने है. और 2019 साल से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य में आज वही लोग बैठे हैं जो इस सकरे रास्ते से प्रवेश करके बैठे हैं. और उसमें से बहुत सारे लोग स्पेशल नहीं है, कोई विशेष लोग नहीं है, बस उन्होंने सकरे मार्ग को चुना, सकरे फाटक को चुना. और बहुत तेरे ऐसे हैं जो धोखे में जीते रहे, दे वर अटर्ली डिसीव्ड, और कहां पे चलते रहे, चौड़े रास्ते पे जिसमें दुनिया चलती है. और सरप्राइज हो गए वो कि ये कहां पहुंच गए. एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, मंजिल अगर बदसूरत है, रास्ता अगर खूबसूरत है, सॉरी रास्ता अगर लुभावना है, तो एक बार जरूर जांच लो ये रास्ता जाता कहां है. रास्ता अगर सुहाना और लुभावना और आकर्षक और देखने में अच्छा और चाहने योग्य है, तो एक बार अवश्य पता कर लीजिए ये रास्ता जाता कहां है, इसकी मंजिल क्या है. हर रास्ते की एक मंजिल होती है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है, अगर मंजिल जीवनदायक है, अगर मंजिल अनंत जीवन है, तो फिर इस बात की फिक्र मत कीजिए कि रास्ता कैसा है. हालेलुया, रास्ता कैसा है कोई बात नहीं, पहुंचेंगे जरूर, यीशु के साथ चलेंगे, पहुंचेंगे जरूर. तो ये एक इतना महत्वपूर्ण एक चेतावनी प्रभु यीशु मसीह हमको देता है, अपनी कलीसिया को देता है, क्योंकि ये मत्ती के शुरुआती चैप्टर्स हैं, हम लोगों के रटे हुए होते हैं, तो ज़्यादातर इनको हम अनदेखा कर देते हैं. लेकिन मैं आपको बताऊं, जो असली मोती है परमेश्वर के वचन में, वो इन
बेसिक एक मूल्य सिद्धांतों में ही हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी गहरी और डीप चीजों को सोचने का और सुनने की इच्छा रखते हैं। हमारे अंदर एक क्रेविंग होती है कि हम ज्ञान, कुछ नई चीज को सीख लें, सुन लें। लेकिन मेरे प्रियो, वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि नई चीजों को तो सीखें, पुरानी सिद्धांतों को ना छोड़ें। ठीक है, ये सिद्धांत है मसीही जीवन का, ये बुनियाद है मसीही जीवन की। दिस इज द फाउंडेशन जिस पे पूरी इमारत खड़ी होती है। और यहां लिखा है, यीशु मसीह कहता है, अंत में कुछ लोग कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? क्या हमने तेरे नाम से चंगाइयां नहीं की? जब हम दुआ करते थे यीशु के नाम से तो लोग क्या चंगे नहीं हुए? जब हम यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को बोलते थे, क्या वो निकली नहीं? निकली। तो यीशु मसीह कहेगा, उनमें से बहुतेरे आके कहेंगे, मुझे ये जो शब्द है ना, बहुतेरे, मैनी विल से, इस शब्द ने परेशान किया है। अगर यीशु मसीह कहता उसमें से इक्का दुक्का कहेंगे, दैट्स ओके, फिर कोई टेंशन की बात नहीं। बहुतेरे, मान लीजिए हम इस भवन में अभी कितने लोग बैठे होंगे, पास्टर जी कितने होंगे, 200 होंगे, 250 में से एक बहुतेरे कितने होते हैं? आप अपना बहुतेरे कैलकुलेट कर लीजिए। आपके लिए बहुतेरे क्या है, 250 में से बहुत। तो यीशु मसीह कहता बहुतेरे कहेंगे, और ये कौन से प्रकार के लोग हैं? कहेंगे, हे प्रभु। कौन, क्या करते हैं ये लोग? यीशु मसीह का अंगीकार करने वाले लोग। दे आर बोल्डली कन्फेसिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड देयर कन्फेशन इज सो प्रोफाउंड, और उनका जो अंगीकार है वो इतना ज्यादा प्रबल है कि एक बार नहीं कह रहे हैं प्रभु प्रभु, दे आर रीअफॉर्मिंग देयर कन्फेशन। वो अपने अंगीकार को दोहराते हैं, दृढ़ता से दोहरा रहे हैं, हे प्रभु। और क्या कर रहे हैं? दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, बीमार लोग ठीक हो रहे हैं। इसका मतलब ये करिज्मेटिक लोग हैं, करिज्मेटिक, अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को देखने और अनुभव करने वाले लोग हैं। ना सिर्फ देखते हैं बल्कि अनुभव भी किए हुए हैं। ये वो लोग हैं अब तो जरूरी है ना ये मैसेज हमारे लिए है? ये वो लोग हैं। हम लोग जब इसको पढ़ते हैं तो हम सोचते होंगे, अरे वो होंगे एक वो फलानी कलीसिया जो लोग एक्टिव ही नहीं है, सुसमाचारी नहीं सुनते, ना सुनाते, ना प्रभु के आत्मा को पाए, अरे वो उनके लिए है ये। नो, बहुतेरे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने तेरे नाम से ये किया, हमने वो आश्चर्य कर्म पाया, हमने वो चंगाई पाई, हमने ये छुटकारा पाया। लेकिन यीशु मसीह जो कहेगा वो इम्पोर्टेंट है। क्या कहेगा यीशु मसीह? बहुतों से, सबसे नहीं कहेगा, सबसे नहीं कहेगा, कुछ से कहेगा, विश्वास योग्य दास, आओ और उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो सनातन से मैं तुम्हारे लिए तैयार किया है। और कुछ लोगों से कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुमको नहीं जानता, कब पहचाना मैंने तुमको, कब हुए तुम मेरे, कब तुम्हारा दिल मेरे से जुड़ा, कब तुम तड़प के मेरे पास आए, कब प्रभु वो किया, ये किया, ये कब? तो हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं मेरे प्रियो। कितने लोग विश्वास करते हैं, हम
बिल्कुल आखिरी घंटे में हैं। अगर आप थोड़ा सा दुनिया की न्यूज़ को फॉलो करते हैं और बाइबल की भविष्यवाणियों को फॉलो करते हैं तो आप देख लीजिए, हम अंतिम समय में हैं। उस समय को शायद कोई जानता नहीं है, निश्चित रूप से कोई नहीं जानता। जिस प्रकार से एक एक बालक जब गर्भ में होता है उसके चिन्ह दिखते हैं, लक्षण दिखते हैं, अपेक्षा होती है, लेकिन एग्जैक्ट डे एग्जैक्ट टाइम कोई नहीं जानता। लेकिन ये डेफिनेट है कि कुछ खुशखबरी आने वाली है, मेहमान आने वाला है घर में। लगभग लगभग इस समय में ऐसा होने वाला है जैसे पास्टर जेरी के रह हुआ। लेकिन एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता कि इस समय लेबर पेन शुरू हो जाएगा या इस समय बेबी आएगा इस दुनिया में। लेकिन उसके चिन्ह, उसके लक्षण, यीशु मसीह ने कहा, जब तुम इस अंजीर के पेड़ को देखते हो तो मौसमों का अंदाजा लगा लेते हो कि ये पतझड़ है कि गर्मी है, क्या है। उसी प्रकार से समय को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम बिल्कुल अंत में हैं। और बाइबल कहती है अंत के दिनों में सबसे ज्यादा बैकस्लाइडिंग होगी, सबसे ज्यादा लोग विश्वास से पीछे जाएंगे, आत्मिक सुस्ती में चले जाएंगे। कुछ उसमें से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की, बहुत अच्छी गवाही के साथ जीवन जिया, जीवन भर प्रभु के साथ चले, टेस्टमनी है उनके जीवन में। कुछ चुने हुओं में से भी ढीले पड़ जाएंगे। दिस इज द सैडेस्ट थिंग, ये सबसे दुखदाई बात है जो प्रभु के वचन में है। ये अंत के दिनों में होगा जब धोखा होगा, जब झूठ होगा, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। आप देखिए अभी तो क्या क्या माध्यम है, पूरी इंटरनेट के द्वारा हम देख सकते हैं। क्या आप समझते हैं जितने प्रचारक हैं क्या सभी सही हैं? क्या सभी चरवाहे हैं? दिखावे पे मत जाइए, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, कोई भी, अगर उसका जीवन वचन सिर्फ नहीं, जीवन इस पुस्तक से मेल नहीं खाता, यीशु मसीह की अगर झलक उसमें नहीं दिखती, देन इज नॉट फ्रॉम गॉड, फिर वो परमेश्वर की बातें नहीं है। ऐसे लोग होंगे जो अंत में बहकाएंगे, भरमाएंगे झूठी प्रोफेसीज और इनके पीछे लोग दौड़ेंगे। आज हम देखते हैं, मैं बेंगलोर में था 3 साल जहां पास्टर महेंद्र थे, पास्टर जेरी भी हमारे साथ थे, तो वहां हम लोग तो ताजे ताजे सुधरे थे, ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो एक ग्रुप, कहां जा रहे हो भैया, अरे एक प्रॉफिट आए हैं, तो हम भी दौड़ते दौड़ते प्रोफेसी सुनने चले गए, है ना। कुछ समय के बाद समझ में आया, ओपन हो गया उनके बारे में कि सब फेक है, सब झूठ है, सब दिखावा है, सब फ्रॉड है, अंत के दिनों में होगा। यीशु मसीह के समय में भी था, पौलुस के समय में भी था, मध्यकालीन समय में भी था, लेकिन अभी इसकी भरमार सबसे ज्यादा है। आप एक चीज याद रखिए, शैतान का सबसे बड़ा टारगेट आप हो, मैं हूं, वी आर द टारगेट ऑफ द एनिमी। वो हमको छीनना चुराना चाहता है क्योंकि कुछ तो बेशकीमती है हमारे अंदर। इसलिए ये अंत का समय है और
लिखा है यीशु मसीह कहता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं सकेत फाटक से प्रवेश करो। मत्ती 24 में जब हम देखते हैं एक और दृष्टांत को मैं इसी के साथ ले लेना चाहता हूं। मत्ती 24 में 1 से लेके 10 तक हम देखते हैं कि 10 कुवारियों का दृष्टांत है ये 10 वर्जिन्स और ये इंतजार कर रही थी। किसका इंतजार कर रही थी? दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी। और जब थोड़ा आने में देरी हुई बाइबल कहती है समय बताती है कि इन द डार्केस्ट आवर द मिडनाइट मध्य रात्रि में। मध्य रात्रि का समय मालूम कौन सा होता है? जब अंधकार अपने प्रबल पर होता है। कई बार हमारे जीवन में एक कठिन अंधकार और या कि एक ऐसा बोलिए एक आत्मिक आलस या एक आत्मिक सूखापन का समय आता है। सबके जीवन में आता है। जितने लोग अगर एक साल भी प्रभु के साथ चले होंगे वो बता देंगे कभी मैं बहुत आत्मा में अच्छा महसूस करता हूँ, कभी मैं लगता हूँ बिल्कुल नीचे हूँ, कभी लगता है कि मैं प्रार्थना करूँगा तो परमेश्वर मेरी सुनता है, कभी लगता है सुन ही नहीं रहा है। हम सब अनुभव करते हैं डार्केस्ट आवर। और ऐसे समय में क्या हुआ? शोर हुआ। क्या हुआ कि दूल्हा आ रहा है, चलो मिलने चलो। और पूरी 10 कुंवारियां उठी और अपने मशालों को अपने लैंप्स को ठीक करने लगी। और उसमें से बताती है बाइबल 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। और मूर्खों ने पाया कि उनके जो मशाले हैं वो ठीक नहीं हैं। एक तो मशाले ठीक नहीं हैं और उसमें तेल भी नहीं है। उनके दीपक भी ठीक नहीं हैं और दीपक में तेल भी नहीं है। बहुत दिन हो गया, दीपक का डस्ट भी साफ नहीं किया था, तेल कहां से आए? अब एकदम रश आवर लास्ट आवर। अब उनसे कह रही हैं बुद्धिमानों से एक काम करो तुम हमको कुछ तेल दे दो, शेयर योर ऑयल विद अस। देखिए ये 10 के 10 कुमारी हैं, ये सब अंगीकार करने वाली विश्वासी हैं। इन सबको मालूम है कि दूल्हा आने वाला है, ये सब दूल्हे के साथ जाना चाहती हैं, ये सब दूल्हे का इंतजार भी कर रही हैं, ये सब कुंवारी भी हैं। इन्होंने ये अपने आप को किसी और से रिश्ते में नहीं जोड़ा है, अभी सिर्फ दूल्हे का ही इंतजार कर रही हैं। लेकिन 5 बुद्धिमान हैं और 5 मूर्ख हैं। ये कलीसिया की तैयारी को दिखाता है, ये हमारी तैयारी को दिखाता है, एक संकेत देता है बी वाइज, बुद्धिमान हो जाइए। जैसे मत्ती 7 में एक और दृष्टांत है बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति का, जो 2 लोग घर बना रहे थे। उसमें खैर हम नहीं जाएंगे लेकिन आज हम इसमें देख रहे हैं। 5 10 को मालूम था कि दूल्हा आने वाला है लेकिन 5 तैयार थी, 5 नहीं। सो सब गई, ऊंग सब गई थी क्योंकि थोड़ा समय ऊपर हो गया था, ऐसा लग रहा था कि समय से थोड़ी देरी हो गई है। लेकिन 5 किस जो मूर्ख थी उनकी समस्या क्या थी? उनकी मशालें ठीक नहीं थी, उनका दीपक ठीक नहीं था। दीपक क्या है? 13 वचन, मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजाला है। आजकल प्योर गॉस्पिल
बहुत कम है. मोटिवेशनल स्पीकिंग डाइल्यूट कर दो गॉस्पेल को, लोगों को बुरा लगेगा ना. ओह दिस पीपल विल फील अनइजी, रेस्टलेस हो जाएंगे, है ना. इनको बाइबल कहती है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि लोग खरा उपदेश सुन नहीं पाएंगे, वरन अपनी कान की खुजली के कारण अपने लिए उपदेशक भी ढूंढ लेंगे. अंत के दिनों में ये हो रहा है. वी आर हम सब जानते हैं क्या हो रहा है दुनिया में. प्रभु की स्तुति हो, हमको एक सुरक्षित स्थान पे प्रभु ने रखा है. प्रभु की महिमा हो इस बात के लिए. और दीपक उनका तैयार नहीं था, उन्होंने वचन में जाना छोड़ दिया. ये वचन हमारी रोटी है, इसको में कभी नहीं छोड़िए. बाइबल कहती है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए. इसको पढ़ना है, इस पर मनन करना है, इसमें बने रहना है, इसको इतना पढ़ना है, इतना मनन करना है कि ये हमारे अंदर का एक हिस्सा बन जाए, ये हमारे विचारों का एक हिस्सा बन जाए, हमारी सोच का एक हिस्सा बन जाए, हमारी इच्छा का भी एक हिस्सा बन जाए परमेश्वर का वचन. इस प्रकार से इसको प्यार करना है. जब आप न्यूज़ को देखते हो, जब आप अखबारों को देखते हो, जब आप सड़क पे लोगों को देखते हो, तो आपको इस दुनिया में असुरक्षा, चिंता, डर, अनिश्चितता दिखती है. लेकिन एकमात्र सुरक्षा, एकमात्र आनंद, एकमात्र शांति सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन में है और कहीं नहीं है. यह हमारा दीपक है, इसमें धूल नहीं लगने दीजिए. इसको पढ़िए, सिर्फ रविवार को ही नहीं, प्रतिदिन प्रति समय. रीड 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 योर वर्ड. पढ़िए इसको, मनन कीजिए इस पे. ये हमारी सोच का पैटर्न बन जाए. आप जिस चीज को में ज्यादा समय बिताते हो ना, वही आपके विचारों में आने लगता है. चेक करिए अपने आप को. जब आप गाड़ी चलाते हो या गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, बहनें और माताएं जब किचन में काम करते हैं या घर में काम करते हैं या जॉब में जाते हैं, आपके मन खाली तो कभी नहीं होता, लेकिन होता क्या है उसमें? क्या है मन में? यह चलता रहता है कंप्यूटर, क्या चल रहा है इसमें? जरूरी नहीं है कि सबके मन में कोई गलत ही चीज चले, लेकिन कई बार हमारे मन में गैर जरूरी चीजें, चिंता करने वाली चीजें, डराने वाली चीजें, ऐसी चीजें जिनका नाता सिर्फ एक संसार से है, वही घूमती रहती हैं. क्यों? हम कई लोग बाइबल रीडिंग को एक एक्टिविटी के रूप में, एक एक एक, एक नियम के रूप में लेते. नहीं, ये रोटी है. यीशु मसीह कहता है रोटी है. रोटी क्या करती है? जब एक व्यक्ति भूखा होता है, निर्बल महसूस करता है, और जब वो रोटी को खाता है, तो रोटी को चबाते हुए जब रोटी उसके पेट में जाती है और पेट में जाके उसके पाचन तंत्र में वो पचती है, फिर यही रोटी एक एनर्जी का रूप लेती है, एक ताकत का रूप लेती है, और उस व्यक्ति को स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है, क्षमता देती है, संतुष्टि देती है. इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है, जब वो हमारे अंदर जाता है तो खाली नहीं लौटता. जिस उद्देश्य से वो जाता है उस उद्देश्य को पूरा करता है. यदि वो वचन चंगाई के लिए है तो चंगाई करता है, छुटकारे के लिए है तो वो छुटकारा करता है, क्योंकि वो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का वचन है. हालेलुया. इनकी मशालें तैयार नहीं थी. आपकी मशालें कैसी हैं? कैसी हैं आपकी मशालें? दूसरी चीज, तेल नहीं था. तेल की कमी. ऑयल. ऑयल क्या है? ये दाऊद राजा के ऊपर
क्या उंडेला शामवेल ने किस चीज से अभिषेक किया उसको? तेल को। लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर ने किस चीज से अनॉइंट किया? पवित्र आत्मा से। आपको मुझको किस चीज से अभिषेक किया है परमेश्वर ने? पवित्र आत्मा से। होली स्पिरिट ऑफ गॉड, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा परमेश्वर का, ये है हमारा रियल पावर। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं, अगर हम उसकी आत्मिक दुल्हन हैं, तो पवित्र आत्मा हमारा श्रृंगार करता है, हमको डेकोरेट करता है, हमको खूबसूरत बनाता है, हमको यीशु मसीह की सादगी में ढाल देता है। यीशु मसीह की रौनक हमारे अंदर आ जाती है, उसका नूर हमारे अंदर चमकने लगता है। ये कलीसिया में बैठने से नहीं होता, दो मैसेज सुनने से नहीं होता, पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। पवित्र आत्मा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, बदलाव लेके आता है। जब हम इसको पढ़ते हैं, पांच जो बुद्धिमान थी वो कहती हैं, हम तुमको तेल नहीं दे सकते, जाके मोल ले लो। सुनने में लगता है कितनी स्वार्थी हैं, अरे थोड़ा सा दे देती, लेकिन ये नहीं बांटा जा सकता। पास्टर जी हमको वचन दे सकते हैं, प्रार्थना दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं, लेकिन तेल नहीं दे सकते। तेल पवित्र आत्मा का परमेश्वर देता है, और जितना हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, हम उतने ही फलवंत होंगे। ठीक है, वॉकिंग इन द स्पिरिट, परमेश्वर के आत्मा में चलना। पवित्र आत्मा कोई हवा नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है जो आपको ऐसे कुछ लगेगी, आ मैं ऐसा हो रहा हूं, मैं वह नो। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो आपके अंदर वास करता है। ही इज द थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी। वो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञानी है, जो परमेश्वर यीशु मसीह की बातें हमको बताता है, परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर प्रज्वलित कर देता है, प्रकाशित कर देता है, रिवील करता है। इट इज द स्पिरिट ऑफ, ही इज द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन। वो ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा है। वो हमारे साथ देता है यीशु मसीह। ये कुंवारियां तो थीं, लेकिन आत्मा में नहीं चल रही थीं। ये कुंवारियां तो थीं, लेकिन दीपक को नहीं चमका रही थीं। स्पिरिचुअल लेजीनेस, आत्मिक आलस, दिस हैज विक्टिमाइज मैनी मैनी जेन्युइन बिलीवर्स। इसने बहुत सारे सही विश्वासियों को घात किया है। आत्मिक आलसीपन, और जब शोर मचा, दूल्हा आया और लास्ट में द्वार बंद हो गया, जैसे वही मत्ती 7 में पढ़ते हैं, ये मुझे बहुत डराती है ये बात। द्वार बंद हो गया, अब वो स्वामी प्रभु खोलो, कौन? अरे हम वो हैं जो कलीसिया में आए थे, हम वो हैं जो आपके लिए ये किए वो किए, आपने ये किया, हम वो हैं। जाओ। नो, I don't know you. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हम वापस अपने उसी पैसेज पे आएंगे, सकरे मार्ग में। क्या है द्वार? What is the door जिससे हमको प्रवेश करना है? जैसे वचन कहता है, सकरे द्वार से प्रवेश करो। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना में, आई एम द डोर, मैं द्वार हूं। आई एम द डोर।
आज की प्रॉब्लम ये है, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, हमारे सेंटर में भी ये होता है। बहुत सारी जीवनों को हम देखते हैं, जन असलियत को भी देखते हैं, ड्रामे को भी देखते हैं। अभी तो हमारे पास्टर महेंद्र आते हैं हमारे सेंटर में, बहुत भाई लोग बहुत इनको पसंद करते हैं, ये भी देखते हैं, एक से एक कलाकार हैं सब। ठीक, तो सक्रे द्वार से प्रवेश करो, हु इज द डोर, यीशु मसीह। और कोई रास्ता नहीं है परमेश्वर तक पहुंचने का, देयर इज नो अदर डोर, कोई और द्वार है ही नहीं, क्योंकि द्वार मनुष्य नहीं बना सकता ना खोल सकता है। मनुष्य के लिए तो सारे द्वार अदन की वाटिका के बाहर ही बंद हो गए थे, वो तो परमेश्वर का प्रेम है जिसने यीशु मसीह में हमारे लिए एक द्वार खोल दिया। लेकिन इस द्वार में हम प्रवेश कैसे करते हैं, क्यों ये द्वार सकरा है, क्यों इसमें कई लोगों को अनकंफर्टेबल होता है, क्या है ये सकरापन? यीशु मसीह पर विश्वास करने में ज्यादातर लोगों को परेशानी नहीं होती है। यीशु मसीह पर विश्वास करने में परेशानी ज्यादा लोगों को नहीं होती है, लेकिन सिर्फ विश्वास से नहीं जा सकते भैया, सिर्फ विश्वास से नहीं। जो हमारा पुराना दोस्त है ना, जिसके इशारे पे हम नाचते थे, कौन? शैतान, मेरा पुराना दोस्त जो मुझको दुनिया की मतलब भूरी भूरी चराइयों में चराता था, है ना, विनाश के झरने के पास लेके मुझको जाता था, मेरे जी को अत्यंत घबरा देता था और कभी करुणा और भलाई में देख ही नहीं पाता था, मेरा पुराना दोस्त, वो भी विश्वास करता है, मुझसे ज्यादा विश्वास करता है। मैंने तो यीशु मसीह को आंख बंद करके विश्वास से देखा है, वचन से देखा है, उसने तो खुदा के बेटे को इन आंखों से देखा है, वो विश्वास करता है और कांपता है, दुष्टात्माएं कांपती हैं, विश्वास ही नहीं कांपते, दुष्टात्माएं कांप जाती हैं कई बार पर यीशु मसीह से हमेशा। तो सिर्फ विश्वास से प्रवेश नहीं है। यीशु मसीह का पहला संदेश, पूरे पुराने नियम का संदेश अगर एक निचोड़ के ले आए, सारे भविष्यवक्ताओं का संदेश का निचोड़ मालूम क्या है? मन फिराओ, रिपेंट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो सारे भविष्यवक्ताओं में बड़ा है, उसका संदेश मन फिरा लो, क्योंकि कुल्हाड़ी जो है बिल्कुल रख दी गई है, अब चॉपिंग होने वाली है। यीशु मसीह का पहला संदेश, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। पहली कलीसिया का पहला संदेश, दूसरा प्रेरित और 38, मन फिराओ। पौलुस का संदेश, मन फिराओ। This message is missing. ये संदेश खो चुका है। डर लगता है बोलने में। मन फिराओ। हम परमेश्वर के राज में जब विश्वास से यीशु के पास आते हैं और अपने मन को फिरा देते हैं, प्रभु हर एक चीज, हर एक आदत, हर एक सोचने का तरीका, हर एक मेरे जीवन का पाप, मैं हर चीज से फिरता हूं, अपना मुंह मोड़ता हूं और मैं उससे घृणा करता हूं, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं और अब तेरी ओर मैं फिर रहा हूं। जहां मेरा मुंह था अब मेरी पीठ कर ली है प्रभु, मैं उस ओर नहीं देखना चाहता, मैं उस ओर देखना चाहता हूं। मन फिराओ,
वो वाली अभी एक बहुत अच्छा तरीका है. आओ 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 बोलो बोलो. यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, मेरे लिए इस दुनिया में आया मेरे. हाँ 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 हा. और तू मेरा प्रभु है, मैं मेरे जीवन में आ जा. हालेलुया बच गए. ओ प्रेज द लॉर्ड प्रेज. ऐसा नहीं है, ये नहीं है. मैं जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं था, मैं एक नंबर का ड्रामेबाज था. आई नो व्हाट्स द क्या है सब. जब तक हम मन नहीं फिराते, जब तक हम सच्ची तरीके से फिर, कई लोग सोचते मन फिराने का मतलब क्षमा मांगना है. कई लोग सोचते मन फिराने का मतलब है परमेश्वर से सॉरी परमेश्वर सॉरी. मन फिराने का मतलब है मार्ग बदल लेना, पीट कर लेना, एक यू टर्न मेटानोए. ये है मन फिराओ जो पौलुस के जीवन में हो गया, जो पतरस के जीवन में हो गया, जो चेलों के जीवन में हुआ. मन फिराओ. जब मैंने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, मेरे प्रियो दुनिया मुझे पागल समझने लगी. 3 महीने मेरा रोना नहीं रुकता था. मैं नहीं समझता था मैं क्यों रो रहा हूं. और बड़ा अच्छा लगता था जब मैं एकांत में प्रभु के साथ बैठता था. दुआ करने के अच्छे शब्द मेरे पास नहीं थे, लेकिन एक ही चीज बोलता था, प्रभु मुझे माफ कर. एक एक चीज मुझे याद आती थी, प्रभु मेरी वो दुष्टता माफ कर, मैं बदलना चाहता हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं. प्रभु मैं सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा, प्रभु मैं तम्बाकू नहीं छोड़ पा रहा, प्रभु मैं ड्रग्स नहीं छोड़ पा रहा, प्रभु मैं इस रिश्ते से नहीं निकल पा रहा, प्रभु जी मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं इस बात से नहीं निकल पा रहा, मेरी मदद कर, मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं निकलना चाहता हूं. दिस इज रिपेंटेंस. ये है मन फिराओ. मेरा मन थक गया है, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है प्रभु, तू है मेरे लिए, मैं फिरना चाहता हूं. जब हम मन फिराओ के साथ कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है, उस द्वार से प्रवेश करता है, फिर वो रास्ता आसान हो जाता है. देन इट बिकम्स ईजी. फिर वो आनंद है, फिर उसमें जॉय है, फिर उसमें उल्टे सीधे सवाल नहीं है. ये बताइए, टैटू बनाना बाइबल के अनुसार सही है कि गलत है? ये बताइए, ये कर सकते कि नहीं कर सकते? इस तरीके कपड़े तो पुराने नहीं है, मैं नहीं लगा नहीं. अरे भैया, जब हम मन फिरा लेते हैं, परमेश्वर का आत्मा इस पूरी चिप को नई कर देता है. फिर हमको समझ में आ जाता है क्या गलत है क्या सही है. बाइबल कहती है आत्मिक जन किसी के द्वारा नहीं जांचा जाता, बल्कि आत्मिक जन हर चीजों को जांचता है. हम डिसर्न करने लगते. आजकल के मैं नौजवानों को देखता हूं, जीसस टैटू. अरे मेरे भाइयों बहनों, मैं नशेड़ियों के बीच में काम करता हूं, 11 साल मैंने नशा किया है. यही कल्चर देखते आए हैं हम लोग. गटर से परमेश्वर ने निकाला है. जो चीजें आपको और आपके बच्चों को बड़ी आकर्षक लगती होंगी ना, एक्चुअली वो फिल्थ है, वो गंदगी है, वो मॉडर्निज्म जो कहते हैं ना, इसको कहते कूल, वी हैव कूल. नो, वो अंधकार है, दैट इज डार्कनेस. हम सब जी के देख चुके हैं क्या नहीं किया इस दुनिया में. जब हम मन फिराते हैं तब समझ में आ जाता है, पुराने रास्ते से घृणा आ जाती है. हर चीज बदल देता है प्रभु, हर चीज अंदर से पहले बदलता है. मेरे तो कपड़े पहनने का तरीका ही बदल दिया प्रभु ने. मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसे ऐसे कपड़े पहने. एवरीथिंग चेंजेस, क्योंकि अंदर से चेंज होता है वो, बाहर से नहीं है, दिखावा नहीं है वो. सोच चेंज. हम मन फिराव के साथ प्रवेश करते हैं और फिर वो मार्ग सकरा है. क्यों सकरा है मार्ग? इसलिए नहीं कि उसकी ब्रेथ कम है, उसकी चौड़ाई कम है. वो मार्ग इसलिए सकरा है क्योंकि उसमें आप सिर्फ एक व्यक्ति के साथ चल सकते हो. सिर्फ एक व्यक्ति की जगह है उसमें.
और किसी चीज की जगह नहीं है। मैं चाहूं मेरी पुरानी आदतें भी चल लें और यीशु मसीह भी चले, नहीं चलता। मेरे पुराने दोस्त यार भी आ जाएं मेरे साथ और मौज मस्ती भी हो जाए जैसे पहले होती थी, और संडे को होली, नो, नहीं चलेगा। मैं सोच सकता हूं कि मैं सकरे मार्ग पर हूं, पर एक्चुअली वो चौड़ा मार्ग है। अगर मैं उसी प्याले से पी रहा हूं जिसमें से दुनिया पीती है, उसी थाली से खा रहा हूं जिससे दुनिया खाती है, उसी मनोरंजन को करता हूं जिससे दुनिया मनोरंजन लेती है, उसी जगह पे जाता हूं जहां दुनिया जाती है, तो काहे का सकरा रास्ता? फिर तो ये चौड़े रास्ते पे हो चलना हो गया। सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदलता है। यीशु मसीह हमारी खुशी बन जाती है, वो हमारा एंटरटेनमेंट बन जाता है, वो हमारा आनंद बन जाता है, वो हमारी जान बन जाता है, सब कुछ वो बन जाता है हमारा। और फिर हम चलना सीखते हैं इस सकरे मार्ग पर। जब मैं यीशु के साथ चलता हूँ मेरे प्रियो, तब मुझे समझ में आता है मेरे अंदर असली में तो ताकत ही नहीं है, मेरे अंदर तो कोई कुव्वत ही नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कहता ना, मेरा जुआ ले लो अपने ऊपर, अब चलो बेटा मेरे साथ। दिन में 4 बार लड़खड़ाता हूं, 4 बार वो उठाता है। चार बार मेरा मैं बाहर आता है, 4 बार वो कहता है मैं तेरे साथ हूं। अपने मैं को, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बेटा तेरा मैं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो शैतान है, लेकिन उससे ज्यादा डैमेज हमारा मैं हमको करता है। यीशु मसीह ने वही कहा ना, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, इस सकरे मार्ग पर चलना चाहे, तो कैसे चले? सबसे पहले अपने खुद ही से इनकार कर ले, अपने आपे से इनकार कर ले। हमारे अंदर क्या है? मैं, मेरा, मेरे लिए, मेरे तरीके से, मेरे द्वारा, मैंने किया, मैं हर जगह मैं। लेकिन यीशु मसीह क्या है? तेरी महिमा, तेरा राज, तेरी मर्जी, तेरी सोच, तेरे प्लान्स। मेरे प्लान होंगे प्रभु, पर अगर तेरे पास प्लान है मैं तेरे प्लान पे चलूंगा। मेरी सोच है प्रभु, लेकिन मैं तेरी वचन से चलूंगा। यह है अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलना। यीशु मसीह के क्रूस का मार्ग, जब यीशु मसीह, अभी हम जब क्रूस के निशान को देखते हैं ना, तो हमको ये एक रिलीजियस सिंबल लिखता है, एक धार्मिक चिन्ह, एक लॉयल, आह क्रूस, होली होली क्रूस, ऐसा दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्रूस एक शर्मिंदगी को दर्शाता है, एक क्रूएलिटी को, एक निर्ममता को दर्शाता है, एक ना लौटने वाली यात्रा का संकेत देता है। जब यीशु मसीह क्रूस उठा के जा रहा था, लोग जब देखते थे तो लोगों को मालूम था ये अब जो जा रहा है ना, ये वापस नहीं आएगा। इसलिए वापस नहीं आएगा क्योंकि इसका क्रूस इसके ऊपर है, इसी क्रूस पे ये मर जाएगा। दिस इज द क्रॉस। मसीही जीवन कोई सन्यासी का जीवन नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कर लो अपने जीवन को, नहीं। लेकिन हर एक चीज जिसको परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा आपको कायल करता है, नहीं, समथिंग इज रॉन्ग। अगर आपको शांति, इफ यू आर मिसिंग द पीस ऑफ गॉड इन समथिंग, अगर किसी व्यक्ति से मेल जोल रखते हो और पीस नहीं मिल रही है, फ्ली फ्रॉम दैट प्लेस, हट जाओ, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो जब हम प्रभु को आगे और अपनी इच्छाओं को पीछे रखते हैं, तो हम परमेश्वर के सकरे मार्ग पे चलते हैं, अपने आप का इनकार करते हुए उसके पीछे चलते हैं। और बाइबल कहती है वो मार्ग कहाँ पहुँचाता है, चौड़ा मार्ग कहाँ पहुँचाता है,
विनाश, विनाश क्या है? बाइबल के अनुसार विनाश क्या है? बाइबल के अनुसार विनाश है हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलगाव। अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ेंगे, नए नियम में ज़्यादातर कईयों बार, 100 से भी ज़्यादा बार नरक का वर्णन किया गया है और स्वर्ग का भी वर्णन किया गया है। यीशु मसीह डराने के लिए नहीं बोलता है, सत्य बोलता है, रियलिटी है वो। बाइबल की सबसे प्रेम, सबसे प्रसिद्ध आयत मालूम कौन सी है बताइए? सबसे फेमस बाइबल की आयत है यूहन्ना 3, कौन सी है? हाँ हाँ बोलिए। दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इतनी प्रेम भरी वर्ष में भी एक शब्द आया है, वो नाश ना हो जाए। परमेश्वर की हमेशा से एक चिंता है, नाश ना हो जाए, जीवन पाए, नाश ना हो जाए। तीन प्रकार की मृत्यु हैं, देयर आर 3 kinds of death। एक होती है शारीरिक मृत्यु, कई लोग खुदकुशी कर लेते हैं, आत्महत्या करते हैं, सोचते हैं अब चलो सुकून मिल गया। नहीं, एक है शारीरिक मृत्यु, एक है आत्मिक मृत्यु। जैसे इफिसियों 2 में लिखा है, उसका 1 और 2 में, जिसमें पहले की तुम अपने पापों में, अपनी अभिलाषाओं में मरे हुए थे। वी वर डेड इन आवर ट्रांसग्रेशंस, आत्मिक मृत्यु। और तीसरी है अनंत मृत्यु। मृत्यु का मतलब यह नहीं कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इटर्नल डेथ डजेंट मीन्स दैट वी विल स्टॉप एग्जिस्टिंग, वी विल एग्जिस्ट, हम होंगे, हमारा अस्तित्व होगा। लेकिन कहां? उन लोगों का नरक में अस्तित्व होगा जो परमेश्वर को छोड़कर, इस सकरे मार्ग को छोड़कर, उस सकरे द्वार को छोड़कर, उस चौड़े मार्ग पे चले। और कैसी है वो जगह नरक की? यीशु मसीह इसी में बोलता है, इसी उसमें है ना, लूका 18:12 में, वह अंधकार है, वहां रोना है, वहां दांतों का पीसना है। एक अच्छी जगह नहीं है, इट्स अ प्लेस ऑफ टॉर्मेंट, एक सताव की जगह है, एक निश्चित एक लेवल के डर से दूसरे लेवल का डर ही डर है वहां। प्रताड़ित ना ही प्रताड़ना है, कहीं सुकून नहीं है, कोई संगति नहीं है। दिस इज हेल। जैसे धनी व्यक्ति और एक निर्धन लाजर, वो धनी व्यक्ति कहता है जीवन में अच्छे से रहा, और जब मरने के बाद वो पाता है कि हैं ये कहाँ पहुंच गया, और वहां देखता है कि जो लाजरस है, जो मेरे दरवाजे पे रोटी मांगा करता था, वो अब्राहम की गोद में है, वो भविष्यवक्ताओं के साथ है, वो उन धर्मियों के साथ है, और मैं यहां हूं सताव में, पीड़ा में, दर्द में, ज्वलन में। दिस इज डिस्ट्रक्शन, यह है विनाश। प्रभु यीशु मसीह हमको इससे बचाने के लिए आया है, इस न्याय से बचाने के लिए आया है, परमेश्वर के न्याय से बचाने के लिए यीशु मसीह हमको आया है। हां, जब हम उसके साथ मार्ग में चलते हैं, पीठ का दर्द, कान का दर्द, ट्यूमर, कैंसर, टीबी, वो ठीक करता है, चंगा करता है, वो बड़ी बात नहीं है। छुटकारा देता है, सामर्थ्य देता है, रास्ते खोलता है, परेशानियों से निकालता है, वो सब करता है, वो बड़ी बात नहीं है।
सबसे बड़ी बात वो है कि वो हमें नरक से बचाता है जहां व्यक्ति एक मिनट नहीं रह सकता। इटर्निटी हमारी, अनंतता हमारी, उसको बचाता है। और स्वर्ग के बारे में बोलता है और बहुत तेरे पूरब से पश्चिम से आके परमेश्वर के राज्य में बैठ के दे विल बी फीस्टिंग। स्वर्ग में क्या है? आनंद है, शांति है। अगर कोई एक सेकंड के लिए स्वर्ग का अनुभव कर ले, वो कहेगा मैं नहीं जाना चाहता उस पृथ्वी पर। नरक तो क्या, मैं पृथ्वी पर भी नहीं जाना चाहता। इट्स अ प्लेस ऑफ जॉय। परमेश्वर की भरपूरी है वहां, उसकी खुशी है वहां। वहां डर नहीं है, वहां चिंता नहीं है, वहां सताव नहीं है, वहां पीड़ा नहीं है, वहां आनंद ही आनंद है। एक आनंद से दूसरा आनंद और उससे बढ़कर आनंद। आप जब देखते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत, जब परमेश्वर को देखते हैं तो स्वर्ग में एक ही चीज बोलते हैं, पवित्र 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 पवित्र। और वो बोलते ही रहते हैं, वो रुक नहीं पाते अपने आप को। वो रिमोट से नहीं चल रहे, वो कंप्यूटर नहीं है, वो एक सच में आत्मिक प्राणी है। जब परमेश्वर को देखते हैं, उसकी महिमा के तेज को देखते हैं, वो अपनी आंखों को नहीं हटाना चाहते उससे। परमेश्वर इतना खूबसूरत है, इतना महिमामय है, स्वर्ग उसकी महिमा से भरी हुई है। यह है जीवन जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो। हो सकता रास्ते में लोग तुम पर हंसें, तुमको ओल्ड फैशन कहें, शायद तुमको थोड़ा सताएं भी, कोई बात नहीं। रास्ते में मैं तो हूं तुम्हारे साथ, मैं तो हूं। जब तू आग से जाएगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा, जब तू पानी से जाएगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा। पानी तुझे डुबा नहीं सकेगा और आग तुझे जला नहीं सकेगी। मैं तेरी रक्षा करते हुए तेरे साथ चलूंगा। इस सकरे फाटक में यीशु मसीह हमारे साथ चलेगा। चौड़े रास्ते पे यीशु मसीह साथ नहीं चलेगा। दिस इज हेवन, अ ग्लोरियस प्लेस। बाइबल कहती है स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। प्रकाशित वाक्य उसके किस में लिखा है, मैंने देखा कि सोने की सड़कें हैं और जो द्वार है वो अनमोल मोती का है, जेवरात का है, और कितनी खूबसूरत दीवारें। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। जिन चीजों को इस दुनिया में मूल्य दिया जाता है, जिन चीजों के लिए लोग मरते हैं इस दुनिया में, हम चलेंगे उस पर, हम चलेंगे। ऐसी जगह पे परमेश्वर हमको ले जाना चाहता है। हमें स्वर्ग के नागरिक हैं, इस पृथ्वी के नागरिक नहीं है। हमेशा हमको यहां नहीं रहना है। लेकिन दुख की बात यह है, जैसे कि पौलुस आंसू के साथ कहता है, 3 फिलिपियों उसके 18 में, मैं आंसुओं के साथ कहता हूं, कितने कितने तुम में से ऐसे हैं जो क्रूस की चाल नहीं चलते, अपने चाल चलन से मसीह यीशु के क्रूस के बैरी हैं। उनका ईश्वर पेट है, वे संसार की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, लेकिन हमारा निवास स्थान तो स्वर्ग में है, जहां से हम अपने उद्धारकर्ता के आने की बाट जो रहे हैं। देयर विल बी पीपल, ऐसे लोग होंगे, लेकिन मैं आपको आज इसी धन्य आशा के साथ, आनंद के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। आप किसी भी कष्ट में हो चिंता मत करो, किसी भी परेशानी में हो चिंता मत करो। वो परेशानी आपको नाश करने के लिए नहीं है, वो आपको खूबसूरत बनाने के लिए है, वो आपको चमकाने के लिए है, वो आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए है, वो आपके चरित्र को निखारने के लिए है, वो आपको यीशु मसीह की समानता में लाने के लिए। डोंट वरी, परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं आशीषों के लिए नहीं, आओ उसके पास जब हम आते हैं उस बदलने के लिए, आइए प्रभु मुझे बदल दे, सब कुछ बदल जाएगा मेरे जीवन में।
सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक जो विनाश को पहुंचाता है और सकरा है वो फाटक जो जीवन को पहुंचाता है। वो फाटक खुल चुका है। 2019 साल पहले यीशु मसीह ने उस द्वार को खोल दिया है, क्योंकि यीशु मसीह खुद द्वार है। और जब हम मन फिराते हैं पश्चाताप के साथ, एक टूटेपन के साथ विश्वास करते हुए यीशु के पास आते हैं, हम उस फाटक से प्रवेश करते हैं, फिर यीशु के साथ हमारी यात्रा शुरू होती है उस सकरे मार्ग में। इसलिए सिर्फ सकरा है क्योंकि हम यीशु के साथ ही चल सकते हैं, और किसी की जगह नहीं है उस मार्ग में। यीशु मसीह कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने माताओं पिता को, दुनिया की हर चीज़ की बात मेरे बाद मेरे साथ नहीं, वो बांटेगा नहीं आपको किसी के साथ। ही वॉन्ट शेयर यू विथ एनी वन। तो मेरे हो, ही इज पोजेसिव। परमेश्वर मालूम क्या है, वो हक जताने वाला परमेश्वर है। वो जलन रखता है, इट्स अ होली जेलेसी। वो जलन करने वाला भी परमेश्वर है। जब हम जो परमेश्वर की दुल्हन है संसारिकता में मन लगाते हैं, हमारा मन भटकता है नाशवान चीज़ों के पीछे, हम अपने अविनाशी जीवन को दौड़ाने लगते हैं, ओह उसको शोक होता है, ही फील्स बैड, क्योंकि वो जलन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, सब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को हम बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हो हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो पवित्र आत्मा, तेरी महिमा हो पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा वो मार्ग है, तू ही वो हमारा द्वार है प्रभु। यदि तू हमारे जीवन में ना आए या आया होता तो हम अपने पापों की दुर्दशा में पड़े होते और मर जाते प्रभु, उस अनंत विनाश में चले जाते जो बहुत ही डरावना और भयानक है प्रभु। हमने धन्यवाद आपको देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। आइए हम अपने हाथों को उठा के, अपने मनों को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें, और साथ ही साथ अपने आप को जांचें, साथ ही साथ अपने आप को परखें, परमेश्वर के वचन के आईने से अपने आप को परखें कि प्रभु कहीं मेरे कदम लड़खड़ा तो नहीं गए, प्रभु कहीं मैं आत्मिक आलस में तो नहीं आ गया, कहीं पिता परमेश्वर मेरा मन किसी नाशवान चीज में तो नहीं चला गया। अपने आप को जांचें। बाइबल कहती है जो अपने आप को जांचता है वो, परमेश्वर का वचन कहता है हम अपने आप को जांचने वाले बने। ओ प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति।